हाय गाइज, आई होप यू ऑल आर वेल। तो गाइज, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है हॉल वीडियो। तो मैंने पर्पल से कुछ जो है प्रोडक्ट वो ऑर्डर किए थे। इसमें से दो चार स्किन केयर हैं और बाकी जो है मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस हॉल वीडियो को। तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ ऑर्डर नहीं की है, मोस्टली यहाँ पे लिपस्टिक्स है। तो ये है ये पैकेट, तो चलिए पैकेट को खोलते हैं। वैसे मैंने ओपन करके देख लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये हॉल वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑर्डर की है वो है गुड वाइब्स का रोज़ हिप टोनर। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है और मैंने इसे लगा भी लिया है एक दो बार। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर्सनली मुझे ये काफ़ी पसंद आया। तो काफ़ी अच्छा टोनर है। तो जो भी प्रोडक्ट होंगे उन सबके जो भी प्राइस होंगे वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो ये पहला स्किन केयर हो गया। उसके बाद मैंने जो दूसरा लिया है वो है ये। तो ये है एल्प्स गुडनेस की तरफ से, एल्प्स गुडनेस की तरफ से ये आर्गन फेस ऑयल विथ गोल्ड, ये है ये। और बहुत छोटी सी इसकी बॉटल है, बहुत ही छोटी सी इसकी बॉटल है। और इसे मैंने लगा के नहीं देखा है, तो इसे लगा के देख लेते हैं तो ये किस तरह से वर्क करता है। तो पहले इसे खोल लेते हैं। तो इसे आप एज अ बहुत विंटर में जब आप इसे यूज़ करेंगे तो प्राइमर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से स्किन में ये अब्जॉर्ब हो जा रहा है और स्किन जो है एकदम स्मूथ हो जा रही है। तो काफ़ी अच्छा है। फेस ऑयल विथ गोल्ड इसमें ये लिखा हुआ है। तो ये है मेरा सेकंड परचेज जो मैंने स्किन केयर के लिए लिया था। अब जो यहाँ पे है वो सारी चीज़ें जो है वो मेकअप से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है NYBae का प्राइमर। तो प्राइमर मैंने पहले भी लिया हुआ था NYBae का, मुझे वो भी अच्छा लगा था। और ये मैंने दूसरा परचेज़ किया है। तो ये है NYBae का प्राइमर लिया है मैंने। इसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विथ वाइटमिन ई। तो ये मैंने लिया है, इसे मैं आपको अंदर से खोल के दिखा दे रही हूँ। ये कुछ इस तरह का है, ये भी आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया। इसके बाद जो मैंने लिया है वो है दो लिप सॉरी आईलाइनर है। तो ये कलर वाले हैं। तो ये पहला जो है ग्रीन ग्रीन कलर में है ये, और ये कुछ इस तरह की बॉटल में है। इसका मेरे पास ब्लैक ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाला ऑर्डर किया है। और इसके जो वॉन्ड्स होते हैं, जो एप्लीकेटर होता है, ये बहुत अच्छा होता है। इससे आप विंग लाइनर बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये ग्रीन कलर इतना अच्छा है, आप देख सकते हैं, बहुत ओपेक है, बिल्कुल भी ऐसा वो जो ट्रांसपेरेंट या फिर हल्का सा ग्रीन कलर वैसा नहीं आता है, बहुत अच्छा आता है। क्योंकि पहले भी मेरे पास था इसलिए मैंने दोबारा इसे ऑर्डर किया है। और इसके बाद ये जो है ये ब्लू में है, तो ये देखिए ये ब्लू है। तो इसे भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लिया कीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए ये ब्लू है। तो ये दो आईलाइनर हो गए जो मैंने लिया था। इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक में मैंने बहुत सारी लिपस्टिक ली है, बहुत सारी तो नहीं, 6-7 ली है मैंने। इसके बाद ये मैंने लिया है एक पर्पल का ही नेल पेंट। एक्चुअली ये मैंने लिया नहीं है, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने ली इसके साथ मुझे ये नेल पेंट फ्री मिला है, ये पिंक कलर में है। तो इसे भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, मैट फिनिश में है, काफ़ी अच्छी इसकी फिनिश है और कलर भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए ये है कलर। तो ये हो गया नेल पेंट। उसके बाद मैंने दो लिप क्रेयॉन लिया है मैंने। तो ये दोनों ऑलमोस्ट कलर जो है वो सेम ही दिख रहे हैं। ये है नंबर 1 जो कुछ इस तरह से दिखता है, रेड कलर में है, ये कूल टोन में है। और ये है नंबर 29 और ये थोड़े से वार्म अंडरटोन में है,
ये 1 है, पहला वाला ये 1 है और ये 29 है। ये थोड़ा सा कूल अंडरटोन में है और ये थोड़ा सा वार्म अंडरटोन में है। तो ये दोनों मैंने लिप क्रेयॉन लिया था। इसके बाद जो मैंने लिया है लिपस्टिक में, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक ये और ये दो लिपस्टिक सेम सेम, हाँ ये दो मैंने लिपस्टिक ली है, लिक्विड लिपस्टिक है। इसका जो भी कलर होगा या फिर नंबर होगा वो मैं डाल दूँगी। ये रेड में है, क्रैंकी यैंकी शायद इसका जो नाम है। ये बहुत सुंदर रेड कलर है, ये मेरा रीपर्चेज है, मैंने इसके पहले भी इसे लिया था। तो ये देखिए ये है रेड कलर, अभी जो मैंने रेड लगाया है कुछ इसे मिलता जुलता है, बट ये मुझे काफ़ी पसंद आया था पहली बार भी, तो इसीलिए मैंने इसे रीपरचेज किया है। इसके बाद जो है ये सेकंड, ये है पिंक कलर में और इसका जो शेड नंबर है 12 है इसका शेड नंबर, और ये पिंक कलर में है। इसे भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये थोड़ा पर्पल अंडरटोन में है पिंक जो है, और ये इंडियन स्किन टोन पे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इंडियन स्किन टोन पे, बहुत अच्छे से जाता है ये। तो ये देखिए ये हो गया। अब जो मैंने लिया है ये लिपस्टिक, सब इसका फॉर्मूलेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिप्स पे बहुत अच्छा लगता है। तो सारे के मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालती रहती हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं शॉर्ट्स वाले। तो ये है NY बे लेडीज़ नाइट 6 और ये कुछ इस तरह का है, ये न्यूड कलर है। और यहाँ पे मैं स्वॉच करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बहुत अच्छा है ये। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आया तो आप किसी और कलर के साथ इसे मिक्स करके लगाइए, बहुत अच्छा कलर हो जाता है। मैं इसे भी लगाती हूँ, इसे दूसरे कलर के साथ मिक्स करके भी लगाती हूँ। जब से आया इसे मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कलर। उसके बाद जो है, इसके बाद सेकेंड जो है ये और ये सेम है। तो ये जो है ये है, ये शेड है ड्रीम डेट 5 और ये पिंक कलर में है। तो इसे भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, इसी पिंक के ऊपर लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले दोनों पिंक में जो डिफरेंस है। ये देखिए ये जो ऊपर वाला है ये अभी मैंने लगाया है इसका है, और ये थोड़ा सा पर्पल अंडरटोन में है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हैं तो ये अच्छा लगेगा आप पे। थोड़ा सा अगर आप डार्क हो तो वॉश आउट कर सकता है ये। उसके बाद है NY बे का Bonfire 3। अच्छा ये जो है ये किसी भी स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत सुंदर कलर है। ये थोड़ा सा पिंक कलर ही है लेकिन थोड़ा डार्क पिंक है, ये आपको रेड जैसा दिखेगा। ये देखिए ये देखिए ये रेड जैसा दिखेगा लेकिन ये पिंक है, और ये सारे स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये वाला कलर आप ले सकते हैं, ये है Bonfire 3, Bonfire 3, यस Bonfire 3 आप इसे ले सकते हैं। और इस हॉल का जो लास्ट लिपस्टिक है और मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है ये। अगर मुझे न्यूड कलर में देखा जाए तो मुझे वो लेडीज़ नाइट 6 या कुछ था, ये वाला कलर ये बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद अगर मुझे रेड में कोई शेड बोला जाए तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारे इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा। अगर आप रेड कलर में कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो ये वाला कीजिएगा, ऑल आई वॉन्ट फॉर लव 4, ये वाला शेड बहुत अच्छा है। ये शादी पार्टी फंक्शन के लिए बहुत अमेजिंग कलर है, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए दिख रहे हैं ये रेड कलर। अगर आपको शादी पार्टी फंक्शन के लिए चाहिए या फिर आप वुड बी ब्राइड हैं, अपने ट्रूज़ों में कोई अच्छा सा रेड कलर चाहते हैं वो भी अफोर्डेबल रेंज में, तो ये वाला लिपस्टिक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस लिपस्टिक की जो कंसिस्टेंसी है, वो फॉर्मूलेशन है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। स्पेशली इसकी जो फॉर्मूलेशन है, अगर आप एक स्वाइप में इसे लगाएंगे तो एक स्वाइप में ही ये इतना ओपेक और अच्छा रिजल्ट देता है, आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा है। मुझे ये पर्पल पे ये वाली लिपस्टिक पर्सनली बहुत पसंद है, जितना भी मैंने ट्राई किया उसमें मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये वाला जो है ये आप बिल्कुल ले सकते हैं, आप किसी भी स्किन टोन के हैं, किसी भी स्किन टोन, किसी कोई भी मतलब अंडरटोन है आपका, अगर आप बहुत गोरे हैं, सांवले हैं या फिर आप मीडियम हैं तो आप ले सकते हैं।
तो ये था आज का हॉल वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।